एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज 17 तारीख है और आज दिन है बुधवार। और कल मैंने बालों में तेल लगाया था तो आज बाल भी धुले हैं। और तेल लगाने के बाद बाल धुले हैं तो सच्ची में बहुत अच्छे बाल हो गए हैं। जैसे रुखे रुखे से बाल हो जाते हैं मेरे हमेशा ऐसे ही धुलने के बाद, लेकिन आज नहीं हुए हैं। आज थोड़े मुलायम मुलायम से बाल हो रहे हैं तो बहुत अच्छा लगा है तेल लगाने के बाद बाल धुलकर। और अब तो मैं हमेशा से ही ऐसे करूँगी, रात को सोने से पहले अच्छे से तेल की मालिश करूँगी देसी, और सुबह में अपने बाल धुलूँगी तो उससे शायद फ़ायदा होगा, बाल कम झड़ेंगे और बाल भी अच्छे रहेंगे, जो कि मुझे लग रहा है फ़ायदा हुआ है। आज बहुत अच्छे अच्छे से लग रहे हैं बाल मुझे अपने, तो फ़ायदा तो होता ही है, तभी तो सब लोग लगाते हैं। और मुझे इस चीज़ का कमेंट भी आया था तो अब मैं भी अपने बालों की थोड़ी सी केयर किया करूँगी। और बस अभी मेरा सारा काम हो गया है, अभी मुझे खाना खाना बनाना है। और आज खाने में मैं दाल चावल तो बनाऊंगी नहीं, क्योंकि दाल चावल तो कल ही बने थे, रोज़ रोज़ दाल चावल भी नहीं अच्छे लगते। आज तो मैं सब्जी बनाऊंगी, और सब्जी जो मैं बनाने की सोच रही थी वो मुझे मिली नहीं है, अभी कोई सब्जी वाला नहीं आया है। और अक्सर मेरे साथ ऐसा ही होता है, जब मैं जो चीज़ बनाने की सोचती हूँ कि ताज़ी ताज़ी लेकर ही बनाऊँगी, उस दिन सब्जी वाला नहीं आता है, तो वो तो जो मुझे बनानी थी वो तो मिली नहीं, तो जो घर में रखी है वही बना लूँगी। और घर में एक लौकी है और टमाटर है, लौकी मुझे बनानी नहीं है क्योंकि लौकी तो दोपहर में बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, शाम के टाइम तो खा लेते हैं हम, लेकिन दोपहर में हमें लौकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो टमाटर आलू बनाऊँगी और दही रखी हुई है, उसके साथ दही खा लेंगे या दही का बूंदी का रायता बना लूँगी, दही तो ऐसे भी अच्छी लगती है, या रायता बना लूँगी। तो बस टमाटर आलू बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ फ्रिज में से टमाटर लेने के लिए, और मैं देख रही थी शायद कुछ और सब्जी हो जो मेरा ध्यान ना रहा हो, लेकिन लौकी ही है और बस टमाटर हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 टमाटर ले लिए हैं और इसके बाद बस मुझे आलू लेने हैं, और 2 ही आलू बहुत होंगे, 2 आलू ले लूँगी और 1 प्याज, बस इतनी सब्जी बहुत होगी, दोपहर दोपहर के लिए ही तो बनानी है। तो बस अब मुझे सब्जी काट लेनी है। तो सब्जी मैंने कट कर ली है और कुकर रख दिया है मैंने गैस पर गर्म होने के लिए, तो चलिए अब सब्जी में छौंक लगा लेते हैं। सब्जी मेरी बन गई है, मैंने आटा भी लगा कर रख दिया है, देखिए मैं दिखाती हूँ आपको। तो आटा भी लगा के रख दिया है मैंने और सब्जी इधर देख रही सब्जी। तो सब्जी भी तैयार हो गई है। और अब हरा धनिया तो हमारे यहाँ बिकने नहीं आता, सर्दियों में तो बहुत आता है लेकिन अब कोई नहीं लाता, हरा धनिया डाल देते हैं तो सब्जी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अभी बस मुझे फटाफट से रोटी बनानी है क्योंकि ये खाना खाने के लिए आ गए हैं।
साफ करके रखने हैं। और इसके बाद बस किचन का सारा काम हो जाएगा, बर्तन साफ हो जाएंगे, यही काम है अब तो, और सारा हो ही गया है। कृष्णा बेटे बाहर वाला पंखा तो नहीं चलेगा, इसे बंद कर दे, बाहर वाला पंखा। हाँ तो अभी मेरा सारा काम निमट गया है और मेरा मन बहुत करता है कि मैं आपके साथ अपना पूरा दिन का रूटीन शेयर करूं, लेकिन नहीं कर सकती क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और हमारी इतनी छोटी वीडियो कोई नहीं देखता, इतनी लंबी वीडियो को तो कौन देखेगा। 6-7 मिनट की वीडियो में से अगर कोई 3-4 मिनट की भी देख ले वो ही बहुत अच्छा है हमारे लिए, तो इसलिए छोटी वीडियो बनाते हैं। तो चलिए अब अपनी वीडियो का यहीं पर एंड कर लेते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, और जो भी चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।